बेफिक्र हो के तुसीं जिन्ना टाइम मर्जी इसनूं चार्ज लगा सकते हो क्योंकि इस विच प्रोटेक्शन लगी हुई आ ते इहदा बैकअप भी दूसरी बैटरी नालों वधदा वजन इहदा बहुत घट आ। सत श्री अकाल जी, अज दी वीडियो विच आपां तुहाडे लई लैके आए हां जो अपने घरां दे विच टार्च रखी हुंदी आ चानण वास्ते इस दी रिपेयर। इस दी जो बैटरी आ बार बार खराब हो जाती आ ते इहदा पक्का हल हैगा जी लैपटॉप की पुरानी बैटरी के विचों सैल कढ़ के इस विच पा देने। ये तकरीबन जे तुहाडे सही चार्ज डिस्चार्ज हुंदे रहन ते तकरीबन चार पाँच साल चल जाते हैं, पर इहदे वास्ते एक छोटा जिहा सर्किट आउंदा 40-50 नां दा। मैं वीडियो के एंड विच उसका सर्किट डायग्राम भी दे दिता कि किस तरह तुसीं ये लगाउणा। दूजी गल यह आ कि उस दे नाल तुसीं मोबाइल चार्ज दे नाल ही इसनूं चार्ज कर सकते हो। जो इस विच पहला वाला सर्किट हुंदा उसनूं आपां कढ देवांगे। इस दी जो लाइफ आ अते बैकअप आ वह जो इस विचों आपां बैटरी कढ़ी आ उहदे नालों ज़्यादा हुंदा इन्हां सैल्लां दा। ये जिवें कि आपां सैल कढ़े आ उहदे विचों पुरानी लैपटॉप की बैटरी दे विचों, इन्हां दे विचों दोवां दे विचों सीगे 1.5-1.5 वोल्ट, ये 2 वोल्ट आ, लेकिन जो सही सैल हुंदा उहदा 3.7 हुंदा। यह जो बैटरी आ टार्च ये सोलर दे भी चार्ज हुंदी आ। देखो प्लेट लगी हुई, हुण आपां इसनूं खोलांगे। खोल के तो ये तुहानूं दिखाउणे आ जो इसकी पुरानी बैटरी आ जो आम निकलती हुंदी आ आह वाली, इहनूं आपां कढ के पासे रख देवांगे। हालांकि चलती आ बैटरी पर इहदा बैकअप काफ़ी घट आ पहलां नालों, क्योंकि जल्दी ही खराब हो जांदियां अते उहदी जगह ते आपां इह दो सैल पावांगे लैपटॉप की बैटरी वाले। ये उह सर्किट हुंदा जी 40-50 दा नां हुंदा, एमाजॉन तो मिल जाएगा। जे तुहानूं नहीं भी मिलता मैं इहदा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन विच दे दिता, उत्थों तुहानूं इह मिल जाएगा। इहदे विच तुसीं मोबाइल चार्ज लगा सकदे इत्थे, अते दो इंडीकेटर दित्ते हुंदे आ। जिन्ना चिर बैटरी चार्ज हुंदी रहेगी लाल इंडीकेटर चलदा रहेगा, जदों बैटरी फुल होगी तो उस तो बाद वह नीला इंडीकेटर जगेगा। जो इसका अपना पहला सर्किट से वो सारा आप खोल के पासे सट दिता। ये वाली जो सोलर प्लेट दियां दो तारा, ये वालियां दोनों तारा आप इस प्लेट के उपर लगावांगे प्लस ते माइनस। जिस जगह के उपर मोबाइल चार्ज लगता उत्थे ही यह जगह बनी हुंदी आ। उस तो बाद बैटरी का नैगेटिव अते पॉजिटिव प्लस माइनस जिथे लिखा बी प्लस बी माइनस इत्थे लगा दिता। यह बैटरी दे जो वोल्टेज होंगे स्टैंडर्ड वो 3.7 होंगे, तो फुल चार्ज तो यह 4.2 वोल्टेज इत हो जाते हैं। जो लैपटॉप वाली बैटरी के सैल आ 18650 का नंबर हों, तकरीबन 2 अंपेयर का यह एक सैल हों। जो सर्किट डायग्राम आ पूरा वायरिंग वो वीडियो के एंड में तुहानू मिल जाएगा। जे तुहानू यह कार्ड कितों नहीं मिलता बाजार के विचों तो तुसी एमाजॉन तो मंगवा लो। इहदी कीमत कार्ड की तकरीबन 70-80 रुपए हुंदी आ। उस तो बाद आपां फेविक्विक लगा के इसनू फिक्स कर दिता। इत्थे मैं एक गल तुहानू दसनी चाहुंदा कि इहनू ज़्यादा अंपेयर का चार्ज ना लाओ मोबाइल का चार्ज, क्योंकि मैक्सीमम 1 अंपेयर तक ही चार्ज चल सकता। जे ज़्यादा चार्जिंग लावांगे तो यह जो इसकी मेन चिप आ वो हीट होवेगी, तो ये जो कनैक्शन आप कर दते अंदर स्विच वगैरह के कनैक्शन से वह बाद चलो हो जाएंगे, क्योंकि जो इसकी नैगेटिव आ माइनस वाली तार आनू आप कामन रखा उ बैटरी न उ ही अगले बल्ब न जो सैड वाले बल्ब आ इनू, तो जो प्लस वाली तार स्विच के सेंटर पेन पर एक अगले बल्ब न एक इस लाइट न। तो यह चार्जर आ जी अपना, यदा चलो 2 अंपेयर का हैगा, पर मैं तुम्हें एक बार लगा के दिखा दिना। तुसी कोशिश करो कि 1 अंपेयर वाला चार्ज ही इसनों लगायो। आ देख लो जी, इस तरह बत्ती जागती पई है, यानी यह चार्ज हो रही है। जदों बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी उस तो बाद इतने नीली बत्ती जगेगी। बेफिक्र हो के तुसी जिन्ना टाइम मर्जी इसनों चार्ज लगा सकते हो, क्योंकि इस विच प्रोटेक्शन लगी हुई है।
ना ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਓਵਰਚਾਰਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, 40-50 ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਬੱਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧਦਾ, ਵਜਨ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਅੰਪੇਅਰ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ 2-2 ਅੰਪੇਅਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, 4 ਅੰਪੇਅਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸੋਲਰ ਆ, ਸੋਲਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋਲਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਕਟ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਇਨਪੁੱਟ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਤਾਰ, ਇੱਥੇ ਸੋਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੱਲਬ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਬੀ ਪਲੱਸ ਬੀ ਮਾਈਨਸ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।